अगला नेक्स्ट वीडियो भी तो यहाँ पे हमारा क्या था, यानी भौतिकी के विभिन्न शाखाओं के नाम लिखिए। भौतिकी के विभिन्न शाखाओं के यानी कि हमें नाम लिखने हैं। भौतिकी जो है ना उसकी कितनी ब्रांचें होती हैं, उनकी सारी ब्रांचों के हम यहाँ आपको क्लियर करके बताएंगे। इसे भौतिकी को किन किन ब्रांचों में बांटा गया है। भौतिकी को यांत्रिकी तथा पदार्थ के सामान्य गुणधर्म, भौतिकी ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी, प्रकाश की भौतिकी, ध्वनि की, चुंबकत्व, विद्युत, आधुनिक भौतिकी, ये सब इतना है। ये हम अलग अलग इनके टॉपिक हैं। हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में या क्लास ट्वेल्थ में इनको कवर करवाएंगे। तो आधुनिक भौतिकी के इसमें विस्तार से समझाया गया है। आधुनिक भौतिकी यानी जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, उसको यहाँ पे बताया गया है। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आएगा परमाणवीय तथा नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, कण भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी, ठोस अवस्था। ये सब जो हमने अभी आपको क्लियर कराया था ना, उसमें नेक्स्ट वीडियो में ठोस अवस्था भौतिकी, इसमें सॉलिड, गैस, ठोस, द्रव, वो वहाँ पे हमारा ये क्लियर हो जाएगा वो वाला मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अति लघु उत्तरीय, जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे वो हम आपको यहाँ पे क्लियर कराएंगे। क्रमबद्ध प्रेक्षण का अर्थ है, क्रमबद्ध प्रेक्षण का क्या अर्थ है? किसी समस्या के समाधान हेतु वैज्ञानिक सर्वप्रथम सुनियोजित प्रयोग करते हैं तथा क्रमबद्ध प्रेक्षण लेखक उस समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिकल्पना का निर्माण करने का क्या तात्पर्य है? प्राप्त प्रेक्षणों एवं आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक द्वारा कुछ कार्यकारी नियम बनाए जाते हैं। इन कार्यकारी नियमों को ही हम परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण कैसे करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में, परिकल्पनाएं बनाने के उपरांत उसकी सत्यता की जांच करते हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा हम क्या करते हैं, परिकल्पनाओं के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं तथा भविष्यवाणियां की जाती हैं। इन भविष्यवाणियों को नए नए प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत की स्थापना कैसे की जाती है? यदि निष्कर्ष तथा भविष्यवाणियों का प्रयोगों द्वारा सत्यापन हो जाता है तो उस परिकल्पना को सिद्धांत के रूप में दे दिया जाता है। यानी कि कोई भी सिद्धांत है उसका परिकल्पना सिद्ध हो गई जैसे हमारी, तो उसको सिद्धांत बोल दिया, ठीक है। अन्यथा उस परिकल्पना को संशोधित करके बिल्कुल नई परिकल्पना यानी कि नया फिर से उसको परिकल्पना बनाने की स्थापना करके उसकी सत्यता का फिर से परीक्षण किया जाता है और फिर से सिद्धांत बनाया जाता है। इसे ही हम सिद्धांत कहते हैं। कोई भी हमने एक परिकल्पना ली, उसको हम सिद्ध करते हैं। अगर वो सही सेटिस्फाई हो जाते हैं, सभी चीजें क्लियर हो जाती हैं, तब हम उसको सिद्धांत बोल देते हैं, तो वो हमारा स्टेटमेंट बन जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नियम की स्थापना कैसे की जाती है? यानी कि कोई भी हमारा लॉ बनता है तो हम कैसे उसको लॉ बना देते हैं? उपयुक्त सिद्धांत केवल कुछ सीमित घटनाओं, प्रेक्षणों तथा तथ्यों के लिए ही सत्य होते हैं। अब यदि यह पाया जाता है कि इस प्रकार प्रतिपादित सिद्धांत सभी घटनाओं, प्रेक्षणों तथा तथ्यों के लिए सत्य होता है तो इस नियम का रूप दे दिया जाता है। अन्यथा सिद्धांत को संशोधित करके या नवीन सिद्धांत स्थापित करके उसकी सत्यता को परखकर नियम स्थापित किया जाता है। यानी कि कोई भी हमारा एक सिद्धांत होता है उसको कुछ सीमित घटनाओं, प्रेक्षणों तथा तथ्यों के लिए सत्य होता है वो, और यदि वो सत्य पाया जाता है, सिद्धांत सभी घटनाओं, प्रेक्षणों तथा तथ्यों के लिए सत्य हो जाता है वो क्लियर, तो हम उस सिद्धांत को संशोधित करते हैं
उसके बाद हम उसको सत्यता की उसकी हम परख कर लेते हैं कि वो सत्य है स्टेटमेंट या नहीं है। अगर वो सत्य पाया जाता है बिल्कुल, तो उसको हम नियम बना देते हैं, अन्यथा उसको हम सिद्धांत ही रहने देते हैं। क्लियर। भौतिकी एक प्रारंभिक विज्ञान क्यों है, यानी भौतिकी का एक जो भौतिकी है ना वो एक प्रारंभिक विज्ञान क्यों है। भौतिकी के अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, यानी भौतिकी में आप देखना ऊर्जा द्रव्य सभी प्रकार की जो भी क्रियाएं होती हैं जो उसमें ज़्यादातर भौतिकी के अंतर्गत ही आ जाती है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं द्रव्य ऊर्जा से मिलकर बनी हुई हैं तथा अतः विज्ञान की किसी भी ब्रांच के अध्ययन की कल्पना भौतिकी के नियमों के आधार पर ही होती है। अतः भौतिकी को मूलभूत प्रारंभिक विज्ञान कहा गया है। यानी सीधा सीधा हम कहें तो भौतिकी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें क्या है, विज्ञान की सारी क्रियाएं, यानी कि जो भी हमारे पूरे वर्ल्ड में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो सारी भौतिकी के अंतर्गत ही आ जाती हैं, इसीलिए हम उसको प्रारंभिक एक विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी व खगोल विज्ञान से क्या संबंध होता है। भौतिकी एवं खगोल विज्ञान से हमें क्या संबंध होता है, पॉइंट दिए हुए हैं इसमें। भौतिकी से निम्नलिखित संबंध है। नंबर एक, विभिन्न उपकरणों का आविष्कार भौतिकी की सहायता से किया जाता है जिसका उपयोग खगोल विज्ञान में किया जाता है। नंबर दो, आकाशीय पिंडों की गति का अध्ययन यांत्रिकी के नियमों द्वारा किया जाता है। नंबर तीन, दूरदर्शी की सहायता से गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की उपग्रहों का पता लगाने में किया था। नंबर चार, विलियम हर्सले ने यूरेनियम ग्रह की खोज की थी। नंबर पाँच, रेडियो दूरदर्शी की सहायता से सुदूर स्थिर अनेक क्वार्टर्स जो भी थे ना पल्स की खोज की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके विभिन्न चरण लिखिए। वैज्ञानिक विधि क्या है, इनके निम्नलिखित चरण नंबर एक है स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट इसका स्टेप रहता है क्रमबद्ध प्रेक्षण करते हैं हम इसका। नंबर दो, परिकल्पना का निर्माण करते हैं। नंबर तीन, परिकल्पना पर आधारित स्टेटमेंट होता है वो परीक्षण करते हैं। उसके बाद अंतिम सिद्धांत हो जाता है, यानी फिर लास्ट में उसको सिद्धांत घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे स्टूडेंट। विश्व के बारे में सबसे न समझने वाली बात यह है कि इसे समझा जा सकता है। आइंस्टीन के इस कथन का तात्पर्य लिखिए। यह भौतिकी जगत अत्यंत जटिल दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि इसे समझ पाना असंभव है, किंतु किसी बात ऐसी कोई बात नहीं है। प्रकृति की प्रत्येक घटना की व्याख्या भौतिकी के मूलभूत नियमों सिद्धांत की जाती है। इसी कारण आइंस्टीन ने कहा है कि समझने वाली बात यह है कि इसे समझा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आपका अगले वीडियो में क्लियर कराएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।